साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर के द्वारा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलूं तो अनुपात एवं समानुपात। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन कुछ विद्यार्थियों का जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हुए इसकी तारीफ की। तारीफ का सेंस है कि उन्हें समझ में आया, उन्होंने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया कि उन्हें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आती थी लेकिन अब उन्हें मैथ्स बहुत पसंद आ रही है। तो ये बहुत अच्छा पहलू है कि मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है। साथ ही उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा जो कि हाल के एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, और यदि मेरी मैथ्स की ऑडियो ने जरा भी उनकी इस सफलता में एक छोटी सी भी आहुति दी हो, एक छोटी सी भी भेंट चढ़ाई हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ओके, हम लोग अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेशियो क्या होता है। ओके, तो दो समान यूनिट की संख्याओं के बीच यदि हम कोई संबंध को देखते हैं तो वो आपका रेशियो है। सबसे पहला शब्द मैंने क्या प्रयोग किया, समान यूनिट। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूं कि 12 एप्पल और 25 ऑरेंज का रेशियो क्या होगा। नहीं, आप नहीं कर सकते, बिकॉज एप्पल और ऑरेंज में समान यूनिट नहीं है। हाँ, 12 एप्पल, भाई राम के पास 12 एप्पल है, मोहन के पास 25 एप्पल है, तो हम कह सकते हैं भाई इनके पास रेशियो हो गया 12:15 का, 25 का। लेकिन यूनिट अगर डिफरेंट हो तो वहां रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेशियो सबसे पहले जो रिमूव करता है वो यूनिट को करता है। हम कैसे लिखेंगे इसको, 12 एप्पल, ठीक है, और रेशियो 25 ऑरेंज। क्या हम एप्पल से ऑरेंज को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। इसका मतलब हम इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते, और संबंध यदि स्थापित नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इनके रेशियो काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त क्या है कि सेम यूनिट का होना जरूरी है, राइट? अब रेशियो होता क्या है वो समझ लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड का साइन। इतना मानकर चल लीजिए डिवाइड का साइन होता है या दो डॉट लग जाते हैं ओनली, गॉट इट, वो हमारा रेशियो कहलाता है। और रेशियो जब मैं बोल रहा हूं इसका अर्थ आप सिंपल सी बात मांग के चलेंगे कि ये डिवाइड में है। ओके, मैं आपसे कह रहा हूं ए रेशियो बी, तो आप क्या मांग के चलेंगे, ए अपॉन बी, राइट? अब मैं रेशियो की जगह जो शब्दों का प्रयोग करूंगा, ओके, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं बोलूंगा इज टू। ओके, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी मैं आपसे बोलूं ए इज टू बी तो इसका मतलब होगा ए रेशियो बी, यानी कि ए अपॉन बी, ठीक है। एक शब्द जो मैं प्रयोग करूंगा वो होगा डबल इज टू, डबल इज टू, ठीक है। डबल इज टू का मतलब होता है बराबर। मैं यदि आपसे कहूं ए इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी, ओके, ए इज टू बी का मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी, डबल इज टू का मतलब इज इक्वल टू, सी इज टू डी का मतलब सी अपॉन डी, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट? और यदि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो डी का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा, तो ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। यानी कि हमने क्या करा, पहली संख्या का मल्टीप्लाई चौथी संख्या में, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई तीसरी संख्या में, क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको जो बताई है वो एक तरीके से आपके लिए स्टार्टिंग कर दी है। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया है कि ए इज टू बी दे रहा हो, डबल इज टू सी इज टू डी दे रहा हो, तो ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे, बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 5:8, राइट, डबल इज टू 15:x, 5:8
डबल एस टू 15 इज टू एक्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5 मल्टीप्लाई x है इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8 है, 5 मल्टीप्लाई x है, तो अगर हमें 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना होगा, यहां मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 5, 5 से 15 काटोगे 3 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 24, x इज इक्वल टू 24 आ गया, गॉट इट? तो ये चीज आपको अनुपात समानुपात में मिलेगी, ठीक है? तो प्लीज इन शब्दों को जरूर ध्यान रखें, हम कई तरह की टर्मिनोलॉजी को यहां समझेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में आपसे इन टर्मिनोलॉजी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली, कोई कठिन नहीं है, एक बार समझ लोगे हमेशा के लिए समझ जाओगे, पहली बार में दिक्कत करोगे दोबारा सुनो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यदि आप डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी, बिना हिचक के मुझसे पूछे, मैं आपको डायरेक्टली उसका आंसर दूंगा, और फोन नंबर मैंने आप सबको दे रखा है, अगर नहीं है तो प्लीज सेव कर लीजिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 9758303742, 9758303742, 24×7, ओके। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है, तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G, ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G 3G है, तो हुआ ना 6G। ओ शट अप यार। For more info, log on to www.radioudaan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udaan, a flight of life. This Love. Is one song that I wrote. Breakup. She called me bhaiya. Romance. Ab tere hawale karun. Affair. Karne lage hame sharmi. Exposed. Koi duniya karegi padhaiyan puriyan te munda hai te kee vi ye vichon fail ho. Latest songs kali kali en ka pakale kale shool ke gaddi kali kali teri gali wadi da movies Punjab. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast Swapnil ke saath every Saturday sham 7 se 8 only on Radio Udaan, a flight of life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द टॉपिक ऑफ माई स्पीच इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव। It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरी संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है
और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद आरजे डिंपल 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 ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए अब हम लोग एक एक करके कुछ एक टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है आपके सामने वो है इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। विलोम अनुपात या फिर इनवर्स रेशियो, इसका अर्थ क्या हुआ? विलोम माने क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको हिंदी में। विलोम, विलोम मतलब उल्टा, कोई काम को उल्टा करना मतलब विलोम करना, राइट। रेसिप्रोकल भी या व्युत्क्रम भी ये वही होता है, किसी क्रम का पलट जाना व्युत्क्रम होता है। क्लियर है? चलिए इसका अर्थ सिंपल से समझ लीजिए कि अगर कोई एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम हो जाएगी। इसको हम समझेंगे भी एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए इज टू बी का इनवर्स रेशियो क्या होगा, ए इज टू बी का विलोम अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा? ए इज टू बी का विलोम अनुपात होगा 1/A = 1/B, ठीक है। 1/A = 1/B। अब अपन लोग क्या करेंगे, ए और बी का एलसीएम लेंगे, राइट। ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी आएगा। शायद मैंने आपको अभी ये चीज सिखाई नहीं है कि जो अल्फाबेट होते हैं उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को पलट देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या है आपकी 3:4, यानी कि 3:4 है। अगर मैं कहूं 3:4 का विलोम अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, 1/3:1/4, राइट। 1/3:1/4 अपन लोग अब क्या करेंगे, 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 3 4 = 12, तो 4 1 = 4:2, 4 3 = 12, 3 1 = 3, 3 आ जाएगा, ओके 4:3 हो गया। अब 12 को हम लोग रिमूव कर देंगे, हमें 12 की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आपका देखो 12 हमने क्यों रिमूव करा समझिए। जैसे अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/12:3/12 ये लिख सकते हो, क्लियर है। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था कि a:b = c/d हो, तो a का मल्टीप्लाई d में और b का मल्टीप्लाई c में होता है, तो जब आप ऐसा करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 4:3 बचा, यानी कि क्या हुआ, 3:4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, विलोम अनुपात क्या हो गया, 4:3, क्लियर है। ऐसा मत समझना कि यार विलोम अनुपात दे रहा है तो यह संख्या पलट जाएंगी, दो संख्याओं में तो संभव है। अगर 2 दे रहा है, 5:6 दे रहा है, विलोम अनुपात पूछ रहा है, तो 6:5 हो जाएगा, लेकिन 3 दे रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा। समझते हैं क्यों? मान लीजिए 3 संख्या आपके रेशियो में दे रहा है 2:3:5, 3 क्या दे रहा है आपकी, 2:3:5, ओके। तो अब आपसे कहे कि विलोम अनुपात क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2:1/3:1/5, राइट। अच्छा 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, राइट। एलसीएम 30 ले लेते हैं, फिर क्या होगा, 2 से आप 13 काटोगे 15 times 15 = 15, ऐसे ही 3 times 30 = 10 आ जाएगा, और 5 6 = 36 आ जाएगा। क्या आया, 15:10:6, 30 आपका आप रिमूव कर सकते हो, तो क्या आ गया आपका रेसिप्रोकल 2:3:5 का, 15:10:6,
ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि यार दो संख्याएं पलट दी हमने, तीन संख्या होंगी पलट देंगे, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि 5:3:2 कर देंगे, नहीं, एलसीएम लेंगे और एलसीएम करके हम प्रॉपर रूप से सॉल्व करेंगे, राइट। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate, it's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udaan. लो आ गई नई आजादी, मगर बताओ तो सही कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udaan. Happy listening. Namaskar, Silver Linings se Preeti Monga bol rahi hoon. हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडाटा इन इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 0987170166। धन्यवाद। चलिए अगला आपका है टर्मिनोलॉजी में कंपाउंड रेशियो, ठीक है, इसको हम संयुक्त अनुपात या जटिल अनुपात भी बोल देते हैं। ओके, अब आप समझिए इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए दो अनुपात आपको दे रहा है, एक है आपका 2:3 और दूसरा अनुपात आपको दे रहा है 4:5,
और आपसे कह रहा है कि भाई कंपाउंड रेशियो बताओ, तो ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे और नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई अलग करेंगे। तो 2:3 और 4:5 है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4 8, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 15। याद रहे डबल इस टू नहीं है बीच में, 2:3 अलग संख्या है, 4:5 अलग संख्या है, डबल इस टू बीच में नहीं है कि आप कहो कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई चौथी में होना था, 2 का मल्टीप्लाई 5 में होना चाहिए, नहीं, ये अलग अलग है रेशियो, ये इनके बीच डबल इस टू का साइन नहीं है, गॉट इट, ये डबल इस टू या बराबर का साइन नहीं है। तो 2:3 था एक, एक था आपका 4:5, आपसे कंपाउंड रेशियो निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्या है पहले उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2:3 में ऊपर की संख्या 2 है और 4:5 में ऊपर की संख्या 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 हो गया, आंसर हो गया आपका 8:15, राइट। चलिए आगे करते हैं, अब आपका जो अगला टर्मिनोलॉजी में है वो है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो जब भी आपसे निकलवाए, डुप्लीकेट का अर्थ होता है उसका स्क्वायर। जैसे मैं यदि आपसे कहूं 5:7 का रेशियो दे रहा है, 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, आंसर आ गया 25:49, क्लियर है। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर। वहीं यदि मैं आपसे कहूं ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का अर्थ होता है क्यूब। जैसे यदि मैं आपसे कहूं 3:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 3:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 3:5 का क्यूब, तो 3:3 आपका 27, 5:3 आपका 125, तो 27:125 आपका आंसर हो गया। ओके, जब आपने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट पढ़े हैं तो सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट भी देख लेते हैं। ओके, सब डुप्लीकेट का अर्थ होता है संख्या का स्क्वायर रूट। जैसे आपसे कहे 81:256 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, ओके 81:256, तो 81 किसका आप स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 आ जाएगा, और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 आ जाएगा, 9:16 आपका आंसर हो गया। जब सब डुप्लीकेट है तो सब ट्रिप्लीकेट भी होगा, तो अब आप समझ गए होंगे सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, वहां हमने स्क्वायर रूट निकाला था, तो यहां पे हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट मतलब घनमूल, ठीक है। मान लीजिए आपकी दो संख्या दे रहा है 27:64 और आपसे कहे कि भाई इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, आंसर हो गया आपका 3:4। तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें, तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे, बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिस्निंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल से नजीर है।
to debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing you. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That is not the debate. Actually. If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi and there are so many problems. You organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. He has said against the moderator. Please, hey, guys, don't... You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudaan.com. Keep listening. Kadalada. प्रतिमा की पहचान प्रज्ञा की मुस्कान सबलांगों का साथी ये है रेडियो उड़ान रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com स्काइप आईडी रेडियो उड़ान ईमेल mail@radioudaan.com रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ चलिए क्विक रिवीजन कर देते हैं हमने जो जो पढ़ा सबसे पहले हमने इनवर्स रेशियो समझा था उसमें जो संख्या होती है उनको क्या करते हैं उनको पलटकर उनका एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम एडजस्ट कर देते हैं जैसे हमने दो एग्जांपल सीखे थे 3:4 को करा था तो 4:3 हो गया था और 2:3:5 को किया था तो क्या हुआ था 15:10:6 गॉट इट उसके बाद हमने कंपाउंड रेशियो समझा था कंपाउंड रेशियो में क्या होता है दो अनुपात आपको अलग अलग दे रहा है दो दे तीन दे चार दे जितने भी दे पहली ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका आंसर आएगा वही आपका कंपाउंड रेशियो हो गया एक एग्जांपल लिया था हमने यहां पर 2:3 और 4:5 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया था 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया था 8/15 आंसर बोला था उसके बाद हमने समझा था डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं और ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्यूब कर देते हैं फिर हमने सीखा था सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर रूट कर देते हैं और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्यूब रूट कर देते हैं ओके तो यहां तक हमने इस चीज को पढ़ा है आगे हम इस क्रम को जारी रखेंगे ठीक है और बने रहिए मेरे साथ अपना जो भी फीडबैक है आपको लगता है कि हाँ देना चाहिए कोई कमी है आपको लगता है वो पूरी होनी चाहिए तो बताने में ना हिचकें हो सकता है आपकी जो कमी है वो आपको जो कमी लग रही है वो कई लोगों की को कमी लग रही है पर वो महसूस ना कर पा रहे हो और आपके द्वारा उठाया गया एक स्टेप कई लोगों का भला कर सकता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल मी सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर जी हाँ मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudaan.com हैप्पी लिसनिंग यार सुमित एक बात पूछूं हाँ पूछो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते
यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। हमने जो चीजें सीखी थी क्विक रिवीजन उनका ले लेते हैं। सबसे पहले इनवर्स रेशियो समझा था, ओके? उसके बाद कंपाउंड रेशियो, जिसमें हमने ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया था रेशियो की और नीचे की संख्या का कर दिया था, बाकी हमने आंसर निकाल लिया था। आफ्टर दैट वी डिड डुप्लीकेट रेशियो, हमने इसमें रेशियो में स्क्वायर कर दिया था। ट्रिप्लीकेट रेशियो में हमने क्यूब कर दिया था। सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब रूट। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं जिस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे जाके हम इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डील करेंगे काफी, ओके? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं आपके सामने। अब एक चीज समझ लीजिए पहले आगे के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आपका जब बेस बराबर होगा, ठीक है, तब आप आपस में संख्याओं को डील कर सकते हैं। बस इस लाइन को समझ लीजिए अभी। बस बेस बराबर होगा तब हम आपस की संख्याओं को डील कर सकते हैं, ठीक है? समझिए, दो रेशियो दे रहा हूं मैं आपको। ए इस टू बी की वैल्यू दे रहा है 4:5, ठीक है, और B:C की वैल्यू है 6:7। A:B की वैल्यू क्या है 4:5 और B:C की वैल्यू क्या है 6:7। गॉट इट? अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएं, इसमें दोनों में कॉमन क्या, अल्फाबेट में दोनों में B आ रहा है, A:B में भी B है और B:C में B है, राइट? लेकिन दोनों में B की वैल्यू क्या है? एक में v की वैल्यू है 5, 4:5 में v की वैल्यू 5 हो गई, और एक में v की वैल्यू है 6, B:C की वैल्यू 6:7 है ना, तो वहां v की वैल्यू 6 है और एक A:B वाले में v की वैल्यू है 5, राइट? अब हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि बेस बराबर होगा तब हम आपस में अन्य संख्याओं को डील कर सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएं, ए और सी को आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें क्या करना होगा, बेस बराबर करना होगा, और बेस होता है उस संख्या का जो कि कॉमन होती है। यहां 5 है, दूसरी तरफ 6 है, कुछ ऐसा करो कि दोनों में बी बराबर हो जाए, ठीक है? इसका सबसे अच्छा तरीका है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 है और 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ सिंपल सी बात कहूं तो एलसीएम समझ लो। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 6 का एलसीएम होगा 30, क्लियर है? अब आप अपने माइंड में एक ही चीज रखो, आपका एक ही उद्देश्य है कि दोनों तरफ v की वैल्यू को 30 लाना है, गॉट इट? अच्छा, 4:5 में b की वैल्यू को 30 लाना हो तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 6 का,
तो 6 का मल्टीप्लाई आपका 5 के साथ साथ 4 में भी होगा। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि 4:30 आप लिख दोगे, क्योंकि समान संख्या का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, रेशियो का रेशियो तभी तो बनेगा। जैसे कि अगर आप 5 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो आप ए में भी आप जो ए की संख्या है 4 में भी 6 का मल्टीप्लाई करो तभी तो आपका रेशियो बनेगा 24:30। 24:30 को जब आप हल करोगे तब 4:5 आएगा, राइट। दूसरी तरफ आपका है 6:7। 6:7 में 6 की वैल्यू को आपको 30 में कन्वर्ट करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5 का। अगर 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में भी करो, तभी को आपका रेशियो बनेगा 30:35, जिसे आप शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हो 6:7, क्योंकि हमें 6:7 के रेशियो से थोड़ी छेड़खानी करनी है, ठीक है ना। आपका उद्देश्य क्या है कि v की वैल्यू को बराबर करना है। अब आपने क्या किया, यहां पर आपने 6 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया था 24:30, और दूसरी तरफ क्या हो गया आपका 30:35, जहां आपने 5 का मल्टीप्लाई किया दोनों में, राइट। अब b की वैल्यू बराबर हो गई दोनों तरफ 30 हो गई, तो अब आपका a:b और c का रेशियो क्या आया 24:30:35, गॉट इट। और यदि आपसे पूछे a:c की वैल्यू बताओ तो क्या होगी 24:35, और abc की पूछे तो 24:30:35। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है, रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है, कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfwdtalks.in दैट इज goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया, देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है, रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है, कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfwdtalks.in दैट इज goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया, देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, क्या हुआ सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात, तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक, तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम दिल से दिल तक दिल तक। न फिक्र करो बीते लम्हों की,
कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। इसको हम फिर समझते हैं, हमने क्या किया है। ए इज टू बी की वैल्यू है 4:5, बी इज टू सी की वैल्यू है 6:7। मैंने कहा दोनों तरफ बी कॉमन है, बी की वैल्यू है एक तरफ 5, एक तरफ है 6, दोनों को कर दो बराबर। और 5 और 6 दो वैल्यू है, तो बराबर करने का मेथड होता है एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम है 30। तो अब आपका उद्देश्य क्या बना कि बी की वैल्यू को बराबर करना है या कि बी की वैल्यू को 30 लाना है। v की वैल्यू को 30 लाने के लिए 5 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई a to b की पूरी फिगर में होगा। a to b था 4:5, हमने वहां कर दिया 6 का मल्टीप्लाई। सेकंड प्लेस पर हमने क्या किया, b to c की वैल्यू थी 6:7, 6 को हमें कन्वर्ट करना था 30 में, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई फिर हमें 7 में भी करना पड़ा, तो v to c का रेशियो हो गया आपका 30:35, a to b का रेशियो हो गया 24:30। दोनों तरफ 30 बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते थे, अब एस टू बी एस टू सी की वैल्यू निकालनी हो तो 24:30:35, क्योंकि बी दोनों में बराबर है, और ए एस टू सी निकालना हो तो 24:35। अगर इस मेथड को समझ गए हो अभी, तो आगे तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात आप मांग के चले। अगर अभी नहीं समझे हो तो समझिए प्लीज इस चीज को, दिक्कत हो अगर इस चीज को समझने में तो प्लीज आस्क मी, ओके। वैसे हम कुछ एक एग्जांपल्स और करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसी तरह का हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए इज टू बी की वैल्यू है 2:3 और बी इज टू सी की वैल्यू है 5:7। मेरे लेक्चर को यहीं रोकिए, सॉल्व कीजिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। ए इज टू बी की वैल्यू है 2:3, बी इज टू सी की वैल्यू है 5:7, राइट। प्लीज सॉल्व करके देखिए इसको, ओके। कहाँ से आ रही हो, बड़ी खुश लग रही हो? बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या बैंक का एग्जाम? अरे यार ये बैंक के एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम अलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका, यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। नॉट इवन दिस, दे प्रोवाइड ऑल एसेंशियल असिस्टिव डिवाइसेस, इन्फ्लुएंस द स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट्स एंड पॉलिसीज, मेक स्कीम्स गवर्निंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दे हैव अ ह्यूज टॉकिंग कम ब्रेल लाइब्रेरी। मगर यार इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे, मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप एनएफबी कर्नाटका से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनएफबी कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655। For more info, log on to www.nfbkarnataka.org. NFB Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. NAB India, यानी National Association for the Blind India, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। NAB India पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 02266838637। कभी तड़प कभी तन्हाई, कभी बेबसी तो कभी इंतजार, ये मर्जी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का,
या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज? क्योंकि नेहा के पास है इन सब का इलाज। अब से हर शनिवार रात 8 से 9 नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का। मेरा आज स्नेहा ओनली ऑन रेडियो उड़ान। ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ नजराना भेजा किसी ने प्यार का। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। चलिए अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक तरफ v की वैल्यू 3 है और दूसरी तरफ 5 है, दोनों में b कॉमन है, एक तरफ 3 है और एक तरफ 5 है। अब हमारा उद्देश्य क्या है? दोनों को बराबर करना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो 2:3 में 3 को 15 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे a to b की पूरी फिगर में, तो क्या हो जाएगा 10:15। अब दूसरी तरफ आते हैं b:c पर। b:c में रेशियो है 5:7 का, 5 को 15 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई 5:7 की पूरी फिगर में होगा, तो 5 में होगा तो 15 और 7 में होगा तो 21। ओके, a:b की वैल्यू हो गई 10:15, b:c की वैल्यू हो गई 15:21। दोनों तरफ 15 बराबर हो गया, तो ए बी और सी का रेशियो क्या हो गया, 10:15:21। गॉट इट? अब अगर हमसे a:c पूछे तो 10:21, राइट? चलिए इसी सबसे संबंधित एक और चीज हम यहां पे समझते हैं, राइट? मान लीजिए a:b का रेशियो है 5:3। a:b का रेशियो है 5:3 और यदि मैं कहूं a की वैल्यू है 15, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। a:b का रेशियो है 5:3, a की वैल्यू है 15, तो b की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो समझिए 5:3 दे रहा है। अच्छा 5:3 के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या बन रही है, 5, और b की वैल्यू 3। ठीक है, और प्रश्न में आपको क्या दे रहा है कि a की वैल्यू 15 है, तो आप क्या करोगे, 5 को 15 बनाओ कैसे भी, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग a का मान कितना है, 5। ठीक है, और प्रश्न में क्या दे रहा है आपको कि a की वैल्यू भाई 15 है, तो 5 को कैसे भी करके 15 बनाओ। तो 5 को 15 बनाने में आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से 15। जब 3 का मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई आपको 3 में भी करना होगा, जो 5:3 के पूरे रेशियो में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5:3 के पूरे रेशियो में करोगे तो 15:9 हो जाएगा। 15:9 से आपको मालूम पड़ेगा कि v की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 15 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ओके, चलिए इसी तरीके से समझिए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि पेंसिल कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात है 10:2:3। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या बताओ। सॉल्व कीजिए प्लीज, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं जिसके समझ में ना आया हो। पेंसिल कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात है किसी दुकान में 10:2:3, 10:2:3। ठीक है, यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या क्या है? अच्छा प्लीज सॉल्व कीजिए। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21.
5+6=55, then 4+8=4. What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0226683837। कभी तड़प कभी तन्हाई, कभी बेबसी तो कभी इंतजार, ये मर्जी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, फिकर नॉट, क्योंकि स्नेहा के पास है इन सब का इलाज। अब से हर शनिवार रात 8 से 9 नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का, विद आरजे स्नेहा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। ऑफ लाइट ऑफ लाइट नजराना भेजा किसी ने प्यार का। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा और आंसर भी सही निकाला होगा। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि 10:2:3 है, क्या शो कर रहा है आपको ये 10 पेंसिल को, 2 कलम को और 3 अभ्यास पुस्तिका को? यहां तक क्लियर है? अच्छा, पेंसिल की संख्या 120 है, रेशियो के अकॉर्डिंग पेन कितना है? 10। 10:2:3 में 10 पेंसिल को डिनोट कर रहा है, पेंसिल रेशियो के अकॉर्डिंग 10 है, वैल्यू कितनी दे रहा है आपको पेंसिल की क्वेश्चन में? 120। यानी कि अब आपको क्या करना है, 10 को कैसे भी 120 में कन्वर्ट करना है, राइट? तो अब 10 को 120 में कैसे बनाओगे? 12 का मल्टीप्लाई करके। तो 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा? पूरे के पूरे रेशियो में होगा, 10:2:3 में। करिए, 10 में करोगे तो 120, 2 में करोगे 24, 3 में करोगे 36, राइट? अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभ्यास पुस्तिका की संख्या बताओ। रेशियो में अभ्यास पुस्तिका कितना है? 3। 10:2:3 में अभ्यास पुस्तिका 3 है और 3 की वैल्यू आपने 12 का मल्टीप्लाई करके क्या निकाली है? 36। तो आंसर आ जाएगा आपका 36। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या था। पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात है 10:2:3। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल हो तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या क्या है? क्लियर हुआ अभी आपको ये पॉइंट? वही अगर एक और पॉइंट यहां से निकलता है बहुत, वो भी आपको मैं बता देता हूं अभी। मान लो आपको दे रहा है ए और बी की इनकम का अनुपात है 5:3, ठीक है? ए और बी की इनकम का अनुपात है 5:3। मैं कहूं कि ए कमाता है 1500 रुपए, तो दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? क्या क्वेश्चन बना? दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, राइट? अच्छा, ए 1500 कमा रहा है, यानी ऑफ रेशियो क्या है? 5:3, यानी कि 5 की वैल्यू 1500 दे रहा है। अच्छा, 5 की वैल्यू 1500 है, तो अब आप क्या करोगे, 5 में उस संख्या का मल्टीप्लाई करोगे जो 1500 बना दे। तो 5 में हम 300 का मल्टीप्लाई कर दें। हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 1500 में 1500 आपको वैल्यू दे रहा है कि 1500 में 5 का डिवाइड कर दो, जो रेशियो आपको दे रहा है उसका डिवाइड कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 आएगा। तो 5 में 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो 1500 बन जाएगा।
अब 300 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो भैया 3 में भी करो, क्योंकि रेशियो में होना है पूरा। 300 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो गया 900, और दोनों की टोटल आय पूछा है तो 1500 प्लस 900 2400 2400 आ जाएगा। वहीं इसको सवाल को करने का एक और तरीका है, वो ये है कि आपकी दोनों की आय पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, रेशियो का कर दीजिए टोटल, 5 और 3 का टोटल कितना हो गया 8, ठीक है। अच्छा 5 की वैल्यू है 1500, ठीक है, 5:3 में 5 की वैल्यू 1500 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो आपने क्या निकाला होगा 300, आपने 1500 में 5 का डिवाइड कर दोगे तो 300 आएगा, तो वो 1 की वैल्यू हो गई ना। अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 3 8 है ना, 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 300 में मल्टीप्लाई 8 कर दोगे तो 2400 आंसर आ जाएगा। यार सुमित एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई तो उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। बैनर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसको फिर समझ लो, आपका ए और बी का रेशियो था 5:3। मैंने कहा कि ए की इनकम है 1500, दोनों मिलकर साथ में इनकम बताओ कितनी होगी। ए की वैल्यू रेशियो में 5 है और ए कमा रहा है 1500, ठीक है। अच्छा 5 है रेशियो में, 1500 कमा रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी। ये तो 5 की वैल्यू है 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1500 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्यों, ठीक है। 1500 डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 300 हुआ, यानी कि 1 की वैल्यू है 300। अब आपसे पूछा है कि मिलकर कितना कमा रहे हैं, तो 5, अब रेशियो का टोटल कर लो, 5 और 3 8, ठीक है। अब आपको क्या बतानी है कि 1 की वैल्यू है 300, तो 8 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 मल्टीप्लाई 300 वो हो गया आपका 2400, ओके। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो वेट कीजिए, आगे हमें इस तरह के काफी सवालों का सामना करना है, तो वहां मैं आपको निश्चित रूप से क्लियर कर दूंगा। और क्लियर हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी मैथ की बुक उठाइए और इस तरह के जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच।